सोमनाथ मंदिर। दोस्तों सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर ने अपने कालखंड में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। यह कई बार लूटा और तोड़ा गया है और इसका कई बार पुनः निर्माण किया गया है। दोस्तों वीडियो के अंत में सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ तथ्य व रहस्यों के बारे में बात करेंगे। मंदिर के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसको कितनी बार लूटा गया और तोड़कर इसका पुनः निर्माण कराया गया है। वैसे तो इसका निर्माण किसने किया है यह बताना असंभव है, पर कहा जाता है कि ऋग्वेद में सोमनाथ मंदिर का उल्लेख स्पष्ट किया गया है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी था। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर हो गया था। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था वह हवा में स्थित था। यह कोई जादुई शिवलिंग नहीं था। इस शिवलिंग को मैग्नेट की हेल्प से हवा में रोका गया था। सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेख अनुसार ईसा के पूर्व में यह अस्तित्व में था। इसी जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनः निर्माण 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया था। और दोस्तों पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया था। और फिर से राजा नागभट्ट ने 1815 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण कराया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि महमूद गजनवी को कैसे पता चलता है इस मंदिर के बारे में। एक अरब यात्री होता है जिसका नाम अलबरूनी है, जो अपनी यात्रा का विवरण लिखता है और जिससे गजनवी प्रभावित होकर 1024 ईस्वी में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसकी संपत्ति को लूटकर नष्ट कर देता है। इसके लूट के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया था तो इसे पांचवी बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः फिर से 1706 ईस्वी में गिरा दिया गया था। लेकिन अब जो इस समय सोमनाथ में जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। नंबर वन, क्या आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियो धर्मी गुण है जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नंबर टू, सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप है। नंबर थ्री, यहाँ पर तीन नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम है। दोस्तों इन तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। नंबर फोर, मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जो बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर तीर रखा गया है जो यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। नंबर फाइव, मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। थैंक यू।